हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है, जहां मैं बात करती हूं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल के बारे में। एक्साइटेड वीडियो लेकर आई हूं आप लोगों के साथ, और मैं आज क्या शेयर करने वाली हूं आपके साथ, जो मैं आज आप लोगों को बताती हूं। सबसे पहले मैं बोल सकते हैं एक्साइटेड हूं, एंड जैसा कि आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा वीडियो शेयर किए हैं गोधराई रसम का, तो एक तो अलग ही खुशी है उसका, एंड एक सेकेंड खुशी है जो कि मेरे को मेरे रिलेटिव जितने भी फ्रेंड्स फैमिली थे वो बहुत ही प्यारा प्यारा गोधराई रसम में गिफ्ट्स दिए हैं। तो मैं सोची चलो गिफ्ट्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ, एंड जो भी ज्वेलरी मिठाइयाँ स्वीट्स बहुत प्यार दिए हैं वो सारी चीज मैं आप लोग के साथ आज छोटा सा ब्लॉग अपना शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे किसने क्या दिया, कैसा गिफ्ट्स दिया, सो आज आप लोग के साथ ये सारी डिटेल आप बात करेंगे एंड शेयर करेंगे। तो चलिए फाइनली वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, एंड वीडियो पसंद आता है तो एक बार मेरे चैनल को नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, तो सबसे पहला गिफ्ट आप देख सकते हैं मेरे पास आया है, ये छोटा छोटा प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स। सो ये है कैरी बैग में, बहुत ही प्यारा क्यूट सा ऐसा डब्बा लगता है। तो पोटली ये मम्मी जी, मेरी मम्मी की है, तो कोई प्लानिंग करके नहीं बेबी शावर हुआ था, बस यहाँ पे आया था, दिल्ली के रिक्वेस्ट पे हो गया था, तो ज़्यादा लोग का गैदरिंग नहीं था, बट जितने लोग आए थे वो बहुत ही प्यारे गिफ्ट दिए थे। तो ये है पायल, पायलिया शोर मचाए, तो ये पायल प्यारा सा गिफ्ट मिला है, आप देख सकते हैं ये क्या क्या हुआ है इसमें लगाया हुआ, इसलिए ये छोटा साइज लग रहा है, बट खोलने के बाद बहुत ही प्यारा सा है। ये मम्मी गिफ्ट्स दी हैं, तो सबका गिफ्ट्स मैं फाइनली आप लोग के साथ शेयर करिए बारी बारी से। तो जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, एंड नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो खोलते हैं। ये है चूड़ी, चूड़ा सेट, और एक इनके साथ और गिफ्ट, तो इसमें है चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, चूड़ी बिंदी और सिंदूर, जैसे कि सुहाग के लिए ये दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा और लहठी सेट है, बहुत ही अच्छा, और इसके साथ एक साड़ी भी, साथ में दोनों चूड़ी लहठी और ये साड़ी साथ में दी है। तो ये है छोटी वाली बुआ जो ब्लू कलर का साड़ी पहनी थी, मैं फोटो अटैच कर दूंगी, वो ये गिफ्ट दी है। सो गाइस, तो नेक्स्ट मेरे हाथ में आया है वो है ज्योति रानी का गिफ्ट, तो देख सकते हैं यहाँ पे ज्योति जी का, तो चलिए फटाफट खोलते हैं। राधा कृष्ण मूर्ति, तो प्यारा सा गिफ्ट राधा रानी का, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, घर में ये मोर के साथ है, तो मोर इसमें बना के टांग भी सकते हैं, लगा के घर में भी सेट कर सकते हैं, प्यारा सा। तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर दी हैं, एंड नेक्स्ट जो है वो बड़ी वाली दीदी दी हैं नेहा, सो देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं और गिफ्ट खोलने का जो एक्साइटेड होता है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और बहुत ही कम टाइम में अरेंजमेंट हुआ, बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, लेटे दिए, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। वाओ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा सूट है। सो ये सबसे बड़ी वाली दीदी दी हैं, वहीं उन्हीं का रिक्वेस्ट था कि हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो ये रश्म कर ही लोग हम लोग सब लोग इंजॉय कर लेंगे। तो बस बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट्स है, एंड ये है पैंट, ये है सूट, बहुत प्यारा सा, ये है पैंट, आप देख सकते हो ये पैंट, एंड ये है प्यारा सा सूट, ये देख सकते हैं फ्रॉक में, काफ़ी कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, येल्लो है बट कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, एंड कॉटन है प्योर, तो अभी गर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल प्यारा सा गिफ्ट है। तो ये है, एंड सो गाइस, तो यहाँ पे बच्चे पार्टी सब लोग हल्ला कर रहे थे, तो मैं सोची वॉइस ओवर दे देती हूँ, मम्मी लोग बोल रही थी, तो जैसा कि सब लोग अभी गेस्ट आए हैं थे एंगेजमेंट में तो गए नहीं थे, तो ये है चाची का गिफ्ट जो कि साड़ी है जो कि अभी चला हुआ है, एंड उसके साथ राधा कृष्ण की मूर्ति, सो बहुत ही प्यारा सा है। सो फाइनली गिफ्ट खोलने का, अनबॉक्सिंग करने का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, और ये मैं अपने गिफ्ट अपने फ्लैट पर ले जाके सजाई भी किया है, जो देख सकते हैं शिल्पा जी दिख रहे हैं, और ये फटाफट खोलते हैं आप लोग के साथ, इतना ज्यादा सेफ से पैक है, इसके अंदर सूट है, सूट है भाई, स्काई कलर का, स्काई कलर का है, पहनोगे? ये तेरा है, ये मेरा है, हाँ। तुम दोनों उधर वीडियो बना रहे हैं बाबू, थोड़ा देर रुक जाओ तब आना,
अभी तो फ्रूट खा लो पहले। अच्छा फ्रूट खा लेंगे इसके बनाने के बाद, खा लो फ्रूट खा लेंगे। चलो सो गाइस, तो ये दीदी का बाबू लोग ना इतना परेशान कर रहा था गिफ्ट का, उन लोग को लग रहा था कि उन लोग के लिए गिफ्ट है कुछ खेलने वाला, तो अनपैकिंग करेगी तो हम लोग को देगी, तो वैसा कुछ था नहीं, बट ये दीदी लोग का सबका दिया हुआ गिफ्ट था। सो ये सेकंड वाली दीदी जी हैं जो फोटो मेंशन कर देंगे, और ये देख सकते हैं चिंगू पार्टी के कैसे माय वाइफ इज माय लाइफ। लाइक करूंगा, लाइक मौसी का वीडियो को लाइक करूंगा, बोलो लाइक करें, बोलो मौसी का वीडियो को लाइक करिएगा, गिफ्ट का बोल दो, आज बोल के चले जाओ, लाइक मौसी की वीडियो मैं को लाइक करिएगा, मौसी की वीडियो को लाइक करिएगा। सो गाइस, तो बहुत ही प्यारा सा कलर, स्काई कलर में लाइट कलर, फैंसी कलर है, तो इस तरीके का आप जैसे राखी वगैरह में भी बहुत ही अच्छा लगता है सूट, तो आप वेयर कर सकते हैं। एंड ये फाइनली बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सूट था। सो एंड नेक्स्ट गाइस, तो नेक्स्ट जो गिफ्ट है, सो गाइस तो नेक्स्ट गिफ्ट है जो कि मम्मी का दिखाई है, तो आप ये लाइट खोलते हैं, तो ये है मम्मी जी का गिफ्ट। मम्मी एक पायल खोल रही थी ना, पायल था ना उसका, और ये सूट साथ में, ये सूट है ग्रीन कलर का, कुछ ऐसा डब्बा, पैकिंग पैकिंग में सबको टाइम बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ, बहुत सारा पैकिंग 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 खोलते खोलते मैं मतलब ये देखिए वाह सो प्रिटी, तो ये है सूट। सो गाइज, तो ये लोग ये मम्मी का गिफ्ट दिया हुआ है फ्रॉक, जो कि अभी बेबी बम्प के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, फ्रॉक जो कि कुछ इस तरीके से है, कॉटन का कंफर्टेबल प्यारा सा गाउन टाइप है, एंड ये अभी के टाइम में मतलब लार्ज और थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा और कंफर्टेबल ड्रेस फ्री साइज से साइज दिए हैं सब लोग, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा मेरे लिए क्योंकि अभी बेबी बढ़ता है, तो इसके लेके एंड भी अच्छा लाइट कलर, फैंसी कलर एंड ट्रेंड कलर, और काफ़ी ज़्यादा कलर भी अच्छा है, साइज भी एक्सेल है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल प्यारे अच्छे से पहन पाए, एंड बहुत ही थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो देख सकते हैं, ये मेरी फ्रेंड्स आई थी, बहुत सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किए थे बट कोई पर्सनल इशू भी कर नहीं आ पाए, लेकिन एक फ्रेंड्स आई थी जो ये गिफ्ट दिए हैं टिंकल, जो कि बहुत ही प्यारा एकदम लाइट कलर साड़ी है, पीच कलर में, ग्रे कलर में, तो आप देख सकते हो ये साड़ियाँ, तो मैं इसको फाइनल दिखाती हूँ। सो गाइस, तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर का साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत सा मिनर वर्क है एंड जड़ी का वर्क है पूरे साड़ी में, कुछ ऐसा है एम्ब्रॉयडरी एंड काफ़ी ज़्यादा कलर, तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट कलर है, मैं तो इसको पहनने वाली जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक तो बात है कि मतलब अगर माइके या ससुराल में कुछ फंक्शन रखो ना, तो काफ़ी ज़्यादा घर के ही मेम्बर आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, तो दिल खुश हो जाता है गिफ्ट सबको, मतलब खोलने का भी एक्साइट रहता है, पहनने का भी और मिलने का भी। तो यहाँ पे जैसे कि दीदी के बाबू लोग आए हैं, वो लोग पूरे परेशान करके पूरे वीडियो में बोल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज प्लीज इग्नोर करिएगा, एंड बहुत मस्ती कर रहे हैं वो लोग, बच्चे हैं वो लोग को लग रहा है कि मेरे लिए गिफ्ट दे दो गिफ्ट दे दो, बट बच्चे का गिफ्ट जो होगा वो मैं सोच दे सकती हूँ, बट सब है साड़ी कपड़े ही प्यारे प्यारे से, मेरे यूज़ का गिफ्ट है, तो यही सब है। तो ये साड़ी रिसीव हुई है, मिला है मेरे को गिफ्ट में, एंड नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो देख सकते हैं, इसमें 16 सिंगार, जैसे कि सब लोग 16 सिंगार का भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, स्वीट्स भी देते हैं, बहुत लोग खाने पीने का ड्राई फ्रूट वगैरह कपड़े भी देते हैं, तो ये है, ये मेरी मतलब बुआ दी हैं, तो ये मतलब कजन बुआ है, वही पास से आई थी, वही ये साड़ी दी है, हल्के में लाइट वेट साड़ी है रेड कलर की, जो कि ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी रानी हुआ, वो ये साड़ी दी है, और इसके साथ ये ब्लाउज का पीस है कुछ ऐसा, सिंदूर है, एंड बाकी का 16 मतलब जो भी सिंगार का चूड़ी लटकी होता है वो सारे मैं फैमिली मेम्बर्स के अलावा गेस्ट भी आते हैं वो भी गिफ्ट दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो पापा मंगवाए हैं, मतलब पापा दादी को दे के दिन मंगवाए थे दादी को देने के लिए वाली सूट, तो ये दादी माँ दी थी, जो कि सबसे 100+ दादी देखे होंगे वीडियो में, आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी था, बट पापा दिलवाए उनसे प्यारा सा ये सूट, कंफर्टेबल कॉटन का लार्ज साइज, क्योंकि अभी मैं इसी यही टाइप का सूट का जरूरत है यूज़फुल का, मैं पहन पाती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा वर्क वाइज पहनने में कम्फर्टेबल नहीं होती हूँ। और ये है पैंट इसका उस इस टाइप से, एंड ये है इसका दुपट्टा, सो मतलब विश्वास नहीं होता इतना ज़्यादा सब लोग प्यार दिए, भर भर के आशीर्वाद दिए, भर भर के गिफ्ट्स दिए, एंड बहुत ही अच्छा लगा, और कोई प्लानिंग नहीं होके हुआ था बट बहुत ही अच्छा पार्टी रहा, सब लोग बहुत सारे स्वीट्स खाए, खाना पीना मेरी छोटी वाली सिस्टर बहुत ही अच्छे अच्छे से बनाई थी। एंड लास्ट जो गिफ्ट है, सो गाइस नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो आप देख सकते हैं, जीजा जी दिए थे ये कॉटन का दुपट्टा,
एंड बोले अभी तुम कॉटन पहनो, कॉटन ज़्यादा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा। तो वो मॉल से लेके कुछ इस टाइप से आए थे, कोई भी ऑनलाइन नहीं था, सब अपने अपने मार्केट से, पास के मार्केट से लेके आए थे कंफर्टेबल पैंट दुपट्टा। एंड उसी दिन सब लेके आ गए, तो भैया प्यारा प्यारा पैक करवा के, किसको जिसको टाइम मिला वो पैक करवाए, कोई अनपैकिंग कोई पैकिंग करके दिए जैसे जिसको पता चल। और ये है सूट जो कि काफ़ी ज़्यादा ढीला है, काफ़ी ज़्यादा फ्री साइज में है, और सबका स्टिकर भी इसी में छोड़ दिए थे उस टाइम जल्दीबाजी में। तो अब जाके बस सबको पैक करना है ले जाने के लिए, और हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी से मायके से ऑन द वे भी होना है, जाना भी है दिल्ली के लिए। तो ये था आज का बहुत ही प्यारा प्यारा सा गिफ्ट, स्वीट्स, मिठाइयाँ, फ्रूट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट। और हस्बैंड जी बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह लाए थे, मिठाइयाँ लाए थे शर्व करने के लिए, क्योंकि उनका गुड न्यूज़ था तो हम लोग को हक बनता था सबको मिठाइयाँ खिलाएं गुड न्यूज़ का। एंड सबको अपने गिफ्ट था, बाकी मम्मी रेडी होने के लिए साड़ी कपड़ा ज्वेलरी जो भी तैयार हुए थे ये गोद भराई में वो की थी। तो सब लोग अपना योगदान इस गोद भराई रसम में दिए थे, काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, पसंद करेंगे, एंड बहुत सारा ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे। और मैं ऐसे ही आप लोग के साथ हर मोमेंट का, अपने हर फीलिंग को शेयर करते रहूँगी, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग के लिए बेबी का लेकर आते रहूँगी, और आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। इससे पहले कि आप लोग भी मिठाइयाँ खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, और बस ऐसे ही आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।